के साथ हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अरे बाबा कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, किसी से मदद मांगने जाओगे अगर मदद कर देगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको ताना जरूर मारेगा कि मैंने उस समय तेरी मदद करी थी, लेकिन इसके दरबार में आके जितना मांगोगे गलती करोगे तो भी माफ कर देगा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ेगा। आज आए हो इतने समय तक, इतनी सर्दी में रुके हो, पूछ लेना अपने अपने भाव से कि बाबा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, के साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, कौन सुनेगा। आओ जरा जो जो सुनाने आया है दिल की बात, जो जो विश्वास से आया है अपने अपने भाव से, अब नहीं बोलूंगी ताली बजाओ, अब वही ताली बजाना जो सच्चे और श्रद्धा भाव से आया। आओ के साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, सुनोगे तो कौन सुने, बोलो तुम ना सुनोगे तो कौन सुने, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुने। जरूर बजाना भाव से, एक दो तीन बजाओ ताली, साथ में कह देना बाबा से, पूरे भाव से गा देना, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, और बाबा जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, और बाबा हर एक नजर कृपा की करना, और कहता है बाबा से, बाबा पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी
सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। और जो जो आया है इतनी देर से, एक बात बताओ, सच में जिस जिस को लगन लगी वो हाथ उठाना। बाबा से किस किस को लगन लगी, जिसे जिसके तार जुड़े हैं ताली बजाओ, ताली बजाओ धीमा धीमा। कहना ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ खाटू वाले दीपक और बाती साथ रहे, जैसे दीपक और बाती साथ रहे, ओ मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे। जय हो। बोलो खाटू नरेश की। हो आनंद आया हो, ऐसा कौन कौन है जो जहां बाबा का कीर्तन होता है वहां चले जाते हैं? इधर वाले भी जाते हैं, ये नहीं सोचते कितना दूर है कितना पास है, अगर कोटा होगा तो कोटा भी चले जाएंगे। ये प्रेमी पता है क्यों जाते हैं? तुमसे मिलना, बातें करना, ओ बड़ा अच्छा लगता है। पहले इतनी पूजा सेवन नहीं करता था, लेकिन जब से आपसे जुड़ा मुझे खुद समझ नहीं आता, आपकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, क्यों मगर, जो भी है वो बड़ा अच्छा लगता। जिंदगी भर चरणों की सेवा करता है, जैसे हमारे दरबार वाले भैया दिन रात भोग लगाते होंगे, सेवा करते होंगे, ऐसे मेरी माताएं बहनें घर में भोग लगाती होंगी, पूजा पाठ करती होंगी। भैया मंदिर जरूर जाते होंगे, कुछ भी काम धंधे पर गए पहले मंदिर गए, वो प्रेमी कहते हैं जिन्हें सच्ची लगन है। क्योंकि कलयुग में हर इंसान पूजा पाठ धर्म की ओर नहीं जा रहा, कुछ लोग हैं इधर जाते हैं तो कुछ इधर भी जाते हैं, लेकिन जो धर्म की तरफ है वो कहते हैं जब तक सांसें चलेगी, जब तक सांसें चलेगी, तुझको चाहूंगा शाम। कहना मेरे साथ, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। ओ शाम, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार।
तेरे लिए दरबार में बैठा हूँ। आज तो मेरे सामने आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सोचकर नहीं आया हूँ कि मैं कीर्तन में जा रहा हूँ। मैं ये सोचकर आया हूँ कि आज मैं मेरे मोहन को रिझाऊंगा और एक दिन मेरे घर पे मेरे बाबा को बुलाऊंगा। अब जिसे जिसे विश्वास होता है कि मैं बुलाऊंगा मेरा बाबा जरूर आएगा, वो क्या कहता है कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, कि मैंने मोहन को बुलाया वो आता होगा। अगर आपके भाव सच्चे होंगे ना तो आपका कोई बाल भी बाकर नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके साथ है, उसे आपने अपना बना रखा है। विश्वास से कहना कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। जो जो बाबा को बुलाना चाहता है और बाबा को बुलाने के बाद में हाथ पकड़ के अपने घर ले जाना चाहता है, सभी ताली बजाना और साथ में कह देना बाबा से, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। पर मैंने मोहन को बुलाया है वो आता जरूर आएगा, पूछती हूँ कि बाबा
क्या बात है, बोलो खाटू नरेश की। ये प्रेमी कहते हैं बाबा से कि बाबा मौत आती है तो आ जाए, कोई घबरा ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई घबरा ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई घबरा ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई घबरा ही नहीं। बाबा तेरे दरबार में मेरी मौत आएगी तो तू भी आएगा मौत के संग मुझे लेने, इसलिए मुझे मंजूर है। वो भी आएगा, आएगा वो भी आएगा जो मेरा मसीहा। जाकर दीदी नशे दो तरह के होते हैं, एक गलत होता है और एक अच्छा होता है। अच्छा नशा वो है जो हम सबने किया है आज, वो है भक्ति का नशा। जो भक्ति का नशा होता है भैया, वो जो नशा होता है वो रात भर में उतर जाएगा, लेकिन जो भक्ति का नशा होता है जिंदगी भर मरने के बाद भी नहीं उतरता। और वो नशा नहीं करते कभी, और ये जो नशा है भक्ति का ये हम सब करते हैं, दिन रात करते। कौन कौन भक्ति का नशा करने आया है यहाँ? जो जो भक्ति का नशा करता है सीधे सीधे हाथ उठाना, कहना थोड़ी सी और पिला दे, 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 थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी। सुनो, कहते हैं जो बेकार लोग होते हैं, जो गलत लोग होते हैं कीर्तन में, उनको हम जैसे भक्त कहते हैं। सुनना कि तुम पीते हो गम बुलाने को, अरे तुम पीते हो गम बुलाने को, हम पीते हैं सांवरा बुलाने को। जो सांवरा बुलाने के लिए पीता है वो कह देना थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे। प्रेमी कहते हैं बाबा आज मुझसे कोई पाप हुए हो, जाने अनजाने में हम कलयुग में रहते हैं, पाप सब करते हैं भैया, जान कर करे अनजाने में करे, लेकिन पाप जरूर करते हैं। प्रेमी क्या कहता है इसके दरबार में? प्रेमी कहता है बाबा मेरे बुलाने पे ना आओ तो आज इस कोटा में बहुत प्रेमी ऐसे आए जिनके भाव प्रबल हैं, जो वास्तव में जुड़ने आए हैं, उनकी सोच कर आ जाना और मुझे भी दर्शन दे देना। वो प्रेमी कहते हैं बाबा से कि बाबा प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जाओ, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जाओ, तू किसी गैर से मिलने के बहाने आ जाओ, तू किसी गैर से मिलने के बहाने आ जाओ, तू किसी गैर से मिलने के बहाने आ जाओ, तू किसी गैर से मिलने के बहाने।
बाबा आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत। और बाबा हर एक नजर के बाकी कर दो मानूंगा एहसान, मैं तेरा मानूंगा एहसान। एक बच्चा, मुझे नहीं पता किसके जीवन में क्या परेशानी, लेकिन इतना पता है कि कोई तो ऐसा बैठा होगा जिसे आज बाबा तेरी बड़ी दरकार होगी, जिसके मन में भाव होगा कि वो तेरे दरबार में आए और उसका काम जरूर बने बाबा एक एक प्रेमी की सुनना, क्योंकि संकट हमारा कौन हरेगा, संकट कौन हरेगा। और पूछ लो बाबा से कि बाबा माता है बहनों कह दो तुम ना सुनोगे तो। देखो मेरा विश्वास है इस भजन में अच्छे अच्छे प्रेमियों के काम बनाए हैं, जिसकी लगन लग रही हो ना इतनी सी, वो बोलना बाबा इतनी सी लगन लगी, ऐसा ऐसा दीवाना बना कि जब इस दुनिया से जाऊं तो आखिरी सांस पर भी तेरा नाम हो, ऐसा चाहते हो तो दोनों हाथ उठा लेना और समर्पण भाव से एक बार बोलो कीर्तन में बुलाने वाले के, दुखियों के दुख हरने वाले की साथी हमारा जिंदगी से दुखों की
ताली बजाना। अगर 1% भी लगन लग गई हो तो ताली बजाना और मिलकर कहना क्या, अरे दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी है। या तो आप जानते हो या भगवान जानते हो, उसके अलावा कोई भी नहीं जानता। इस दरबार में बैठे हो, अगर बाबा ने इस लायक समझा है कि इस दरबार में आप बैठ सको, तो आप इस लायक भी हो कि अपने पाप का आज निवारण यही करके जाओ। अच्छा अनुष्का, कुछ कुछ प्रेमी ऐसे भी आए होंगे जिनके काम नहीं बन रहे होंगे, उन्होंने अर्जी लगाई होगी लेकिन काम फिर भी नहीं बन रहे होंगे और बाबा परीक्षा पे परीक्षा लेता जा रहा होगा। वो प्रेमी देखो, बाप है, भाई है, यार है, जिसे जिस रिश्ते से लड़ना है, झगड़ना है, प्रेम करना है, कर सकते हो पूछना। गिरत को क्या गिराना शाम इतना बतालो, गिरत को क्या गिराना शाम। बाबा मजा तो तब आएगा आपके उसको उठाओ, मजा तो तब आएगा के बाबा गिरते को क्या गिराना शाम इतना बता दो, और मजा तो तब आएगा आकर उसको उठा उठा दो। पूछ सकते हो, लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, जो मन में आए वैसे भाव आज प्रकट कर सकते हो और फिर से कह देना बाबा गिरते को क्या गिराना शाम इतना बता दो, मजा तो तब आएगा। और बाबा आज तुम ना सुनो, और साथ में ये भी कहना बाबा सुना है दर पे तेरे हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है शाम तुम क्यों घबराते, आज पापी आया है शाम तुम। और अरे अब तो आके बाह पकड़ ले इसमें तुम्हारी शान, प्रभु इसमें तुम्हारी शान। और दुनिया से सुनकर आए हो तभी बैठे हो, बाहर से आए हो क्यों, क्योंकि विश्वास है कि बाबा तेरे दरबार में सबके काम बनते हैं, तू हारे का सहारा है, तू लाज बचाने वाला है। हम पूछते हैं इसका पता तो आज चलेगा, सुनो के तो कौन सुनेगा कह दो, तुम्हें ना सुनोगे तो तूने हाथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा, तूने हाथ जो मेरा छोड़ा दीवाना। बोलो काली कमली वाला मेरा यार है, कह दो भैया इसको, इसका रिटर्न मत देना, इसको सिंपल चलने दो, कहना अरे काली कमली वाला मेरा, और बाबा अरे मेरे मन का मोहन तू दिल। अब ऐसा ही एक बार हुआ, कुछ शाम प्रेमी भाइयों की तरह ग्रुप बनाकर एक जैसे कुर्ते पहनकर खाटू जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? खाटू। आवाज नहीं आई, कहाँ जा रहे थे?
खाटू जाते जाते रास्ते में कुछ लोग मिले जो मेरे बाबा श्याम को नहीं जानते थे। उन्होंने बोला, अरे कहाँ जाता है? प्रेमी बोले, मैं मेरे बाप मेरे यार से मिलने जाता हूँ। बोले कहाँ जाता है? बोले खाटू जाता हूँ, जब सबकी बिगड़ी किस्मत सवर जाती है। बोले अच्छा, खाटू जाता है, कौन है खाटू वाला? प्रेमी बोला ग्रुप में कि काली कमली वाला मेरा। उन लोगों ने चिल्ला कर बोला, अच्छा वो खाटू वाला तुम्हारा यार है? अब शाम प्रेमियों से कोई चिल्ला कर बात करे कोई सहन नहीं करता। प्रेमियों ने जवाब दिया कि हमें चिल्ला कर बोला बाप के लिए, अब हम भी चिल्ला कर जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया, हाँ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। अब कौन कौन हक से कहता है कि काली कमली वाला मेरा यार है? सिर्फ मेरा, सिर्फ है। मेरा वो सीधे हाथ उठा लेना जिसको लगता है बाबा सिर्फ मेरा है। सारे प्रेमी और साथ में क्या कहेंगे? हाँ मेरा यार है, मेरा दिल। प्यार से कहना, अरे काली कमली। और बाबा पीछे वालों, अरे मेरे मन का मोहन तू। अब बताओ किस किस का यार है, किस किस का यार है? साथ में उठा लो सीधे सीधे हाथ सारे, ये सेवा के लिए दिए भगवान ने यार, आज इनका इस्तेमाल करो सेवा में। और ताली बजा कर कहना, अरे काली कमली वाला मेरा यार है, अरे काली कमली वाला हाँ मेरा यार है। ये ताली, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए ओए ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ हाँ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। अरे ओए ओए ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, खाटू गए। अच्छा बताओ, खाटू जाते हो लाइन में लग के दर्शन करते हो कि वीआईपी में दर्शन करते हो? किस किस ने खाटू में धक्के खाए हैं? यहाँ से धक्के लाइनों में धक्के खाए हैं? ये चार चार पांच पांच घंटे की लाइन लगती है, चार चार सेकंड के दर्शन, वो भी धक्का मार मार के। लेकिन प्रेमी जैसे तैसे धक्का खा के बाबा के दर के सामने गया, बाबा को देखा, बाबा को बोला, बाबा तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है बाबा, अरे तेरे हाथ में जीवन की पतवार है। अरे मेरे मन का, अच्छा ऐसा लग रहा है अनुष्का, हाँ आगे आगे वाले आए सेवा करने, बिल्कुल पीछे वाले ऐसे हाथ बांध कर बैठे हैं। ये ना हाथ बांध कर नहीं बैठे दीदी, ये सारे वीडियो बनाने आए हैं सिर्फ। ऐसा ये क्या करेंगे कि आज तो भजन नहीं गाएंगे बाबा के सामने, लेकिन कल चार लोगों के सामने जाकर बोलेंगे खाटू श्याम के कीर्तन में गया था। हाँ ये बात तो सही है अनुष्का, है ना? लेकिन आगे वाले नहीं कर रहे ऐसा अनुष्का, आगे वाले प्रेमी समझदार है, खाटू जाके आए हैं सारे के सारे। नहीं लेकिन पीछे वालों को बोलना जरूरी है, भैया रहोगे चौखट से दूर तो खोना ही खोना है, पीछे पीतल ही पीतल आगे सोना ही। अरे इसके दरबार में आके अच्छे अच्छे मुस्कुराने लगते हैं, कितनी चिंता छोड़ देते, कहते बाबा मुस्कुराने की वजह। और भले खाटू में धक्के खाए हो या ना खाए हो, कीर्तन में धक्के खा रहे हो पीछे वालों, कहने देना बाबा से कि बाबा धक्के खाने की वजह तुम। और बाबा क्या करे, रहा जाए ना जाए ना जाए ना, और ऐसा
माताएं बहनें, एक समय के बाद पीछे वाली माताएं बहनें अनुष्का घर जाने लगी। बिल्कुल ठंड ज्यादा है, जल्दी उठते हैं, लेकिन ऐसा कौन कौन है जो सोच कर आया है कि पूरा कीर्तन करके ही आज घर जाऊंगी। क्या बात है, पक्का। कहते हैं कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। रोज सोना है, आज किस्मत वाले हो बाबा आया है। आज बाबा को घर बेचकर घर जाना, पूरा कीर्तन करके जाना। मैं कहती हूँ जो काम नहीं बनते होंगे वो भी जरूर बनेंगे। फिर कहना कि दीदी कहकर गए थे, जो भी दिल की बात है आज मांग लेना बाबा, ये परेशानी है, और फिर सीधे सीधे हाथ उठा लेना और मिलकर ताली बजा कर कहना, अरे मेरे मन का वाहन तू दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। पीछे वाले भाई बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो राधे राधे। अच्छा दीदी राधे राधे क्यों बोला जाता है? अनुष्का बाबा ऐसे नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना? ये इतना सारा परिवार है, इनको पता चलना चाहिए, राधा का नाम लेंगे बाबा दौड़ा दौड़ा आएंगे। अरे राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, इधर से गाओ बोलो। अरे राधे राधे जब वो चले, कौन? राधे राधे जब वो चले, अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे, जरूर आएंगे, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। एक बार बोल दो ओ बाबा, ऐसे थोड़ी बुलंद आवाज में बोलो ओ बाबा। ये सारे राजस्थान वाले अनुष्का, बिल्कुल सांवरिया जी को भी रख लिया, बिल्कुल रख लिया, श्याम को भी रख लिया, हाँ सालासर धाम को भी रख लिया, फिर भी एमपी वाले तेज पढ़ रहे हैं, ऐसा तो कैसे हो सकता है अनुष्का? बिल्कुल दीदी है, एक बार राजस्थान वाली आवाज में जितना दम है ये राजस्थान वाली आवाज आनी चाहिए, कहना बोलो राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहार, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहार, यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है। नहीं अनुष्का धीरे धीरे एनर्जी आ रही है। हाँ लेकिन अभी थोड़ा कम दिख रहा है। हाँ, हाँ। अच्छा आज से पहले कीर्तन में कौन कौन गए हैं बाबा के? कम लोग गए हैं ना? बहुत कम लोग हैं। जब भी बाबा का कीर्तन में जोश दिखना चाहिए, बाबा को लगना चाहिए कि मेरे प्रेमी हैं, भले ही आप बाबा को जानते हो या नहीं जानते हो। और जो नहीं जानता मैं बाबा की महिमा जरूर बताऊंगी कि ये खाटू वाला कौन है, पक्का बताऊंगी। लेकिन आप भजन गाओ, ताली जरूर साथ दो, और अगर राधा नाम जीवान पर नहीं आ रहा, नहीं बोल पा रहे राधे राधे, तो सुनना किशोरी जी से बोलना, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोलो
काम हो जाए। नारे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय जय राधे। चुपचाप बैठे रहेंगे नहीं चलेगा। बाबा को खाटू से बुलाया है, गाना तो पड़ेगा। बाबा जोत के माध्यम से सबको देख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। ये जो ये वाले भैया है ना, कौन से भैया? ये वाले भैया। हाँ हाँ। ये उड़ा रहे हो ना आप कब से? एक बार जब मैं बोलूं जब उड़ाओगे? अब जल्दी से इसको प्रिपेयर कर लो आप, है ना। सारे शोर मचाओगे अच्छे से, खाटू वाला शोर मचाओगे, मंडल वाले मचाएंगे शोर। हाँ। उठाओ सीधे सीधे हाथ सारे जितने हैं जहाँ तक आवाज जारी है, शोर मचाना है साथ में। ओ रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे ओ खड़दानी रंग बरसे रंग बरसे भीगे ओ खड़दानी रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे ओ खड़दानी रंग बरसे पीछे वाले भाई खाटू नहीं गए। सांवरिया जी कौन कौन गया है बोलो? सांवरिया सेठ की। अच्छा जब सांवरिया जी जाते हैं, सांवरिया जी सारे कहीं इसलिए सांवरिया जी का पूछूंगी, जब सांवरिया जी जाते हैं तो वहां से वापस आने की इच्छा नहीं होती ना भैया? नहीं होती। ऐसा लगता है ना पापा हमें तो वही रख ले अपने पास में, ऐसा ही लगता है। किस किस को लगता है ऐसा? सबको। ये प्रेमी कहते हैं कि बाबा हो तेरी गलियों का मैं आशिक, तू एक नदी ना है। हो तेरी गलियों का मैं आशिक, तू एक नदी ना है। तू ही साथी, तू ही आशिक, तू ही किनारा है। तू ही साथी, तू ही आशिक, तू ही गलियों का मैं आशिक, तू एक नगीना है। जैसे ही जाते हैं अभी आगे वालों से पूछती हूँ, जो कार्यकारिणी संभाल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी लग रही है, लेकिन बाबा को खाटू से बुला लिया। ये कृपा है कि बाबा ने आप लोगों को आदेश दिया कि आप उनका कीर्तन करवाओ, कि आप लोगों ने जैसे मेरे बाबा के दर्शन करे, जैसे उनसे निगाहें मिलाई, आपके भाव क्या है? ताली बजाना ये आगे वाले सारे, कहना क्या? छाप तिलक सब जी वो से लेना मिलेंगे। छाप तिलक सब जी छाप तिलक सब जी वो से लेना मिलेंगे। छाप तिलक सब जी वो से लेना और अगर मन के भाव सच्चे हो तो ताली बजाना, कहना मेरे साथ में बाबा बंसी बजा गयो शाम। Thank you.
और ये सुनकर कौन आया कि मेरे बाबा खाटू से आने वाले हैं? क्या बात है, ये पता है क्यों आए? क्यों आए? स्वागत करने आए मेरे श्याम का। कौन कौन, किसके लिए आए हो भैया? बाबा के लिए। अच्छा, बोलो किसके लिए आए हो? तो कह दो क्या, ताली बजाओ। इधर से सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो। क्यों मेरे सर, बुलंद आवाज में मेरे सर। और जब बाबा आए लगे कुटिया पितले हन से बुला लगे। सुनो क्यों, सबको गाना है फिर से। लगे कुटिया भी दुल्हन सी बोलो, बोलो। लगे क्यों ला रही है मेरे सरकार आए सजा दो हर को गुलशन सा। सारे प्रेमी आपसे मिलने आए हैं, बड़ी दूर दूर से मिलने आए हैं। क्या चाहिए मेरे श्याम को अपने साथ, जो जो अपने घर ले जाने आया है, जो जो नारायण नाम का जाप करेगा दीदी, वो नारायण नाम का जाप करेगा। क्योंकि अगर अभी आप वो गा दोगी ना, तो सब पीछे वाले प्रेमी वापस से खड़े होकर हाजिरी लगाने लग जाएंगे। हाँ अनुष्का, ये बात सही है, साथ में खड़े। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, और श्याम नारायण नारायण, ओ श्याम नारायण नारायण। बोलो श्रीमन नारायण नारायण, जोर से श्रीमन नारायण नारायण। अच्छा अनुष्का, ये लोग ताली नहीं बजा रहे अभी भी, ये मोबाइल है ना। देखो पता है, अगर कहते हैं कि बाबा के सामने ताली बजा ली तो वारे न्यारे हो जाते हैं, और उसके दरबार में ताली नहीं बजाई तो अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ती है। सुनो, मैं नहीं चाहती ऐसा हो। एक बात और मैं कह देती हूँ कि भैया महको तो ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए। सुनना, महको तो ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए, और कीर्तन में बैठे हो तो ताली ऐसी बजाओ कि गाने बजाने वालों को जोश आ जाए। आओ जरा सीधे सीधे हाथ उठाओ और मिलकर कहना, क्या बड़े भाव से तेरे दरबार में आए दूर दूर से प्रेमी चलकर, और ये प्रेमी क्या कहते हैं? अरे श्याम तुझे मिलने का क्या है, सत्संग ही बहाना है। बोलो श्याम तुझे, गाओ गाओ, गा दो बाबा। सत्संग ही बहाना, और अरे दुनिया वाले क्या जाने। जो बाबा से जुड़ने आए हैं ना, वो कह रहा कि बाबा को कि दुनिया वाले क्या जाने, क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। क्या लाइन है कि शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है, क्योंकि इससे मिलना भजनों से जितना अच्छा रीझेगा उतना नहीं किसी चीज से रीझेगा। और पधारे होना, और अगर लगन लगी है तो ये दो लाइन भी कह देना कि लगन तुमसे, गाओ लगन तुमसे लगा। बाबा क्यों, जो होगा देखा, क्योंकि तुम्हें अपना बना मैं, जो होगा
बताओ कौन कौन बाबा से मिलने आया है, मस्ती मजाक करने नहीं आया है। ये लकीरें मेरे बाबा को दिखा दो, बाबा कुछ बुरी लकीर आ गई हो तो इन भक्तों की आज खत्म कर देना। और ताली बजा कर कहना क्या, अरे शाम तुझे मिलने का, अरे बाबा तुझे मिलने का, सत्संग ही बहाना है, अरे शाम तुझे सत्संग ही बहाना। अच्छा सच में लगन लगी, किस किस की लगन लगी, हाथ उठाओ। अच्छा बजाओ ताली, सीधे सीधे हाथ उठाओ। कैसे बजाओगे, एक दो तीन बजाओ। अब एक लाइन इधर वाले गाएंगे, एक लाइन इधर वाले गाएंगे। अब पहले सारे भाई लोग गाएंगे क्योंकि बैठ गए सारे। अच्छा लेकिन मोबाइल तो जेब में रखे ही नहीं। ये जो जितने भैया है ना मोबाइल वाले, ये सारे दीदी इंस्टाग्राम पे स्टोरी टैग करने वाले भैया आई है। अरे पता है अनुष्का, ये भाई कभी ये नहीं पूछते कि दीदी आप कैसे हो। क्यों दीदी? ये हमेशा मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि दीदी हमारी स्टोरी भी मेंशन कर देना। ये कलयुग है, ये कलयुग है दीदी। लेकिन आज ये मोह माया भूल जाओ भैया। देखो जो जो छोटी बहने मानता है भैया वो अपनी अपनी जगह पे बैठा रहेगा, क्योंकि हम दूर से आए हैं और सिर्फ आप लोगों के लिए आए कि आपको बाबा से जोड़ सके। तो बाबा के इसमें कोई भी खलल ना डाले और सीधे सीधे हाथ उठा ले और ताली बजाओ। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। ओ सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। आप बोलो दादाजी जैसी मिल रही है, मुझे याद आ गई उनको देख के। एक बार खड़े हो जाओ ना दादाजी पोती की बात मान के, देखना दादाजी माइकल जैक्सन जैसा नाचेंगे कैसे। अरे तारों की रिमझिम में, तारों की रिमझिम में क्या